हाँ चलो, तो आज क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं। नूतन आरबी त्रिपाठी, तो स्नेहा को और आर्यन को तो ये फॉर्मूला पता है, आप सीख लो बेटा। ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। हाँ बेटा आर्यन, 10th क्लास में क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, बताओ। कितना कितना बोलो, मतलब थीटा अपॉन 360 × 2 πr, है ना? यस, वेरी गुड। हाँ, लेकिन अब आप लोग यहाँ जो भी कैलकुलेशन करोगे सारा रेडियन में ही करोगे। अब रेडियन में करेंगे तो हमें पता है 360 डिग्री इक्वल टू, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 π आएगा ये, ठीक है? क्योंकि 180 डिग्री होता है पाई, तो 360 डिग्री हो जाएगा 2 π। लेंथ ऑफ आर्क को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये थीटा 360 की जगह 2 π लिख दो, और ये 2 π r। 2 π से 2 π कैंसिल हो गया, तो एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है? अब मैं यहाँ डायग्राम में बता देता हूँ कि थीटा तो ये एंगल हो गया, ए वी आर्क द्वारा सबटेंडेड एंगल, आर रेडियस हो गई इसकी, और ये यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस को लेंथ ऑफ आर्क से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर कितने पैरामीटर्स हैं आपके, तीन, लेंथ ऑफ आर्क, एंगल और रेडियस। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू रखेंगे वो रेडियन में रखेंगे, और आंसर भी थीटा का रेडियन में ही निकलेगा। तो यहाँ तीन पैरामीटर्स हैं, उसमें से आपको दो पैरामीटर गिवन में होंगे, तीसरा पैरामीटर आपको फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, नूतन वाली बुक सभी के पास होगी, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। व्हाट मस्ट बी रेडियस ऑफ व्हील ऑफ एन आर्क 24 π सेंटीमीटर लॉन्ग, सबटेंड एन एंगल 72 डिग्री एट द सेंटर। तो सबसे पहले गिवन, जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनको लिख लो, गिवन दे। तो यहाँ दिया है व्हाट मस्ट बी रेडियस, रेडियस पूछी है, और लेंथ ऑफ आर्क दिया है एल इक्वल टू 24 π, और सबटेंड एंगल थीटा दिया है 72 डिग्री। हाँ, अब डिग्री में नहीं चलेगा, आपको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो थीटा इक्वल टू 72 π अपॉन 180, तो ये बन गया रेडियन। तो थीटा इक्वल टू, इसको 72 8 कितने से कैंसिल आउट करें इसको, और चलो 18 से ही कर दो डायरेक्ट, है ना? हाँ यस, बिल्कुल। मैंने बोल दिया ना कि आप ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करिए, तो 36 2 जा 72, और 36 में 180 कितना आएगा, 5 times, है ना? तो ये आ गया, बिल्कुल। ऐसी कैलकुलेशन सीख लो तो फिर आनंद ही आ जाएगा। तो आप लोग स्मॉलेस्ट नंबर की जगह ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, ओके? तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, और जो टेबल याद नहीं होती थी वो टेबल याद होने लग जाएगी, ठीक है? चलो चलो, अब हम क्या फाइंड करना है इसमें, रेडियस। यहां लिखेंगे टू फाइंड रेडियस, तो बस ये एल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आप फॉर्मूले में रख दें, फॉर्मूला नंबर वन जो लिख दिया है मैंने, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे नाउ बाय फॉर्मूला, तो एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया 24 π,
एंगल हमने रेडियन में फाइंड किया 2π/5, डिग्री में दिया था, रेडियस हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ 24π रखिए, इधर ले आओ सारा 5/2π, उधर राइट हैंड साइड में केवल रेडियस रहने दो, अननोन क्वांटिटी। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, 2 से ये 12 टाइम्स, तो ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल लगा होगा क्वेश्चन ये, है ना? तो आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट दे लो। डिग्री मेजर ऑफ एंगल माने आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इन डिग्री, डिग्री में फाइंड करना है, लेकिन फॉर्मूले से रेडियन में आंसर आएगा। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। एट द सेंटर सर्कल डायमीटर दिया है, ये गिवन में दिया है, गिवन दैट डायमीटर माने रे 2R दिया है इसका 60 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क दी है एल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क 16.5 सेंटीमीटर, है ना? आपको एंगल निकालना है फॉर्मूले से, और एंगल रेडियन में निकलेगा, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। करिए, निकालो आंसर, फिर मैं आंसर लिख दूंगा साइड से, लिख दो भाई फॉर्मूला। एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो इसमें रेडियस की वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू रख दो, और एंगल निकालो फिर डिग्री में। और मैं आंसर लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 6 का 31°30', आंसर ये आना चाहिए आपका, थीटा इक्वल टू 31°30', ये आंसर आना चाहिए, निकालो। ओके, दिया ये फॉर्मूला है, देखो मैंने एक कवियल डायग्राम बनाया। हाँ दिया, खास तौर पे आप लेट आए तो थोड़ा सुन लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे ये सर्कल लिया मैंने, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क माने एल, और ए सी रेडियस, और ये थीटा। तो ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला एंगल इंटू रेडियस, ठीक है? 10th क्लास में वो पढ़ाता था ना, θ/360। तो 360 डिग्री को रेडियन में लिख दिया था, तो रेडियन में लिखने की वजह से फॉर्मूला केवल इतना बन गया। तो इसमें तीन पैरामीटर्स हैं, एल थीटा आर, दो वैल्यू दी जाएंगी, तीसरी निकालनी है। तो इस वाले सवाल में क्या गिवन है तुम्हारे पास, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क। तो थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा पहले रेडियन में आएगा इससे, और फिर उसे डिग्री में बनाना है। ओके, हमेशा आंसर इसमें रेडियन में, हाथ रखो। गौतम आपका सवाल हो गया ये? वेरी गुड, चलिए मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूं। एल लेंथ ऑफ आर्क दिया है 16.5, एंगल निकालना है, रेडियस दिया है 30, क्योंकि ये डायमीटर है 60, तो रेडियस हो जाएगा 30। ओके, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 16.5/30, तो थीटा इक्वल टू 165/300 कर दो, पॉइंट हटा दो इसका, है ना? डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो पड़ जाएगा नीचे से। अब इसे कितने से कैंसिल आउट कर दें, चलो 5 से काट दो, 5 कितने से, 15 से, चलो ठीक है एक ही बात। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, और 15 दूनी 30, 11/20, तो ये आएगा आंसर 11/20 रेडियन आएगा। लेकिन हमसे आंसर पूछा है उन्होंने डिग्री में, तो डिग्री में कैसे बनाते हैं बेटा, यहां लिखो नाउ इन डिग्री। तो डिग्री में बनाने के लिए हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π का, ये हो गया हमारा डिग्री। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 11/20
180 पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रखो तो 7/22, 11 से ये काट दो, 11 दूनी 22 और 0 से 0 काट दो, 2 से ये काट दो तो ये आ गया 63/2 है ना डिग्री। अब 63/2 डिग्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ये कितना आ जाएगा, 31 प्लस हाफ है ना ये, तो 31 हाफ का मतलब हो गया 31 डिग्री 30 मिनट, 31 डिग्री, और हाफ डिग्री का मतलब 30 सेकेंड, 30 मिनट सॉरी, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हाफ डिग्री में कितना होगा 30 मिनट। ओके, इन आ सर्कल डायमीटर 28 सेंटीमीटर, तो गिवन लिखिए, गिवन दैट, इसको खुद करना है, मैं लिख रहा हूं ठीक है, आप लोगों को खुद आंसर बताना पड़ेगा। इन अ सर्कल डायमीटर डायमीटर 2r = 28 सेंटीमीटर दिया है और लेंथ ऑफ कोर्ड दी है इसकी ये बी सी, तो रेडियस तो हो गई 14 और लेंथ ऑफ कोर्ड भी 14 दी है ए बी, यहां लिख दूंगा लेंथ ऑफ कोर्ड दी है, लेंथ ऑफ कोर्ड ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क नहीं है ये 14 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, एल की वैल्यू फाइंड करना है कि एल कितना होगा, बताइए कैसे निकाला। आपको रेडियस दे दिए, इसमें लेंथ ऑफ कोर दे दिए, अब लेंथ ऑफ आर्क जब निकलेगा, जब एंगल पता होगा, तो देखो इन ट्राइंगल एबीसी में हम देख रहे हैं कि AB = BC = CA, तीनों साइड इक्वल हो गई क्या दिया बताओ, ACB रेडियस इक्वल, हाँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल कितने का होता है बेटा बताओ, 60 डिग्री है ना, थीटा 60 डिग्री का हो गया, तो यहां लिखेंगे देयरफोर एंगल ACB हो गया 60 डिग्री का, माने हमारा एंगल 60 डिग्री का हो गया, तो इसे रेडियन में लिखना पड़ेगा, तो रेडियन में आ जाएगा π/3 रेडियन है ना, रेडियन में तो बना लेते हो ना, रेडियन में कैसे बनता है बताओ, 60 π/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रेडियन बन जाएगा, क्योंकि इसमें रेडियन में ही रखना पड़ेगा फॉर्मूले में, तो थीटा इक्वल टू जी आ जाएगा π/3 रेडियन। ओके, बस अब बाई फॉर्मूला लगा दो, बाई फॉर्मूला और एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो इसमें आर की वैल्यू रख दो, रेडियस रख दो, एंगल रख दो, लेंथ ऑफ फॉर्मूले पर आर, डिपेंड है, लेकिन दो सर्कल है यहां पर, लेकिन वैल्यूज चेंज है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है और यहाँ क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, आपके दो सर्कल्स दिए हैं, लैंग्वेज में बोल नहीं रहा केवल, हाँ दो सर्कल्स हैं, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 65 डिग्री 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो देखो ये दोनों की लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, ए बी सी और ये पी क्यू आर, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, L1 और L2 कह दो, इसकी रेडियस R1 कह दो, इसकी रेडियस R2 बोल देते हैं, एक का एंगल है 65 डिग्री, दूसरे वाले का एंगल है 110 डिग्री,
और आपको फाइंड करना है टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ये फाइंड करना है। देखो कौन सॉल्व कर सकता है इसे? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस R1 और R2 सपोज कर ली हमने, और उनके एंगल हैं 65 डिग्री, 110 डिग्री, किसके सेम लेंथ ऑफ आर्क, दोनों की आर्क सेम है। अब आपको दोनों की रेडियस का रेशियो निकालना है कि कितना होगा। 22:13 है ना? बुक में कितना है क्वेश्चन? हाँ इतना ही है। हाँ, इतना ही है। तो जिन्होंने पहले सॉल्व नहीं किया है अब कर लो, और फिर उसके बाद अब कंसेप्ट चेंज होगा थोड़ा सा। हाँ तो देखो ऐसे लिखेंगे बाई फॉर्मूला, L1 अपॉन L2, θ1 × R1, θ2 × R2। ये फॉर्मूला बन जाएगा दो सर्कल्स के लिए, बन जाएगा क्या? दिया कोई दिक्कत? आ गया समझ में? भाई ऊपर का फॉर्मूला पहले सर्कल के लिए है, नीचे वाला फॉर्मूला दूसरे सर्कल के लिए है, L1 और L2 इक्वल है तो इसको भी k सपोज कर लेते हैं, इसको भी k सपोज कर लेते हैं, और एंगल दिया है पहले वाले का 65, तो इसको रेडियन में लिखना पड़ेगा, 65 π/180 × R1, और दूसरे वाले का भी एंगल रेडियन में लिखना पड़ेगा π/180। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर हम लिख देंगे L1 और L2 दोनों इक्वल है और हमने इसकी इक्वल लेंथ k सपोज कर दी है, ठीक है। हाँ अब तुम लोग सोचोगे सर हमने यहाँ रेडियन में क्यों लिखा? ध्यान रखना इस फॉर्मूले का हम जब भी यूज करेंगे एंगल को रेडियन में ही लिखेंगे, भले ही यहाँ कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि π/180 से π/180 कैंसिल हो रहा है, अगर हम डिग्री में भी लिखते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन गलत हो जाएगा सॉल्यूशन, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि रेडियन में ही रखना है एंगल, डिग्री में नहीं चलेगा। ये k से कैंसिल हो गया और इसको इधर ले आओ, 110/65 R1 R2, और ये कैंसिल आउट कर दो, ये कितने से कैंसिल आउट हो रहा है? 5 से, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 22/13 आ जाएगा R1 R2, और आंसर लिख दिया जाएगा, रेशियो हमेशा ऐसे लिखते हैं R1 ratio R2 इक्वल टू 22 ratio 13, ये लिखे। ओके रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं लिखते, सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं लिखते। ओके क्या है जैसे ट्राइंगल, ABC, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो इसका इंटरनल एंगल कितने का होता है बेटा? 60 डिग्री का, है ना? इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। एक इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का। ओके तो इसी तरह से ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। ओके अगर मैं ट्राइंगल की जगह पेंटागन दे दूं, अब कोई इंटीरियर एंगल बता सकता है? रेगुलर, मतलब सुनो रेगुलर वर्ड लगा हो ना, रेगुलर रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल लेंथ की, उसमें रेगुलर वर्ड लगा होगा। कितना बोलो बोलो? 72 डिग्री, है ना? कैसे निकाला? चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूं इंटीरियर एंगल का,
एक चीज जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लो पहले आप लोग। अगर केवल पॉलीगन लिखा होगा तो पॉलीगन का मतलब होता है बाउंडेड डायग्राम। ओके, तो बाउंडेड डायग्राम में तो लेंथ अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन लिखा होगा तो इसका मतलब इसकी ऑल साइड्स इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल। ओके, तो ये इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, फॉर्मूला। हाँ, इंटीरियर एंगल काय के लिए, फोर रेगुलर पॉलीगन। थीटा इक्वल टू एन माइनस टू इंटू पाई अपॉन एन, ठीक है। अब सुनो, अगर हमारा पेंटागन है तो इसमें पेंटागन के लिए क्या रखेंगे, एन इक्वल टू फोर पेंटागन, एन इक्वल टू रखेंगे हम यहाँ फाइव। ओके, तो थीटा इक्वल टू, अगर डिग्री में चाहिए तो यहाँ पाई की जगह 180 लिख देना। ओके, एन माइनस टू 180 अपॉन, तो ये आंसर देगा डिग्री में, ये आंसर देगा रेडियस, सॉरी ये रेडियन ये डिग्री। ओके, तो हम डिग्री में पूछा है तो डिग्री में निकाल देते हैं, एन माइनस टू इंटू 180 अपॉन एन, तो इसमें एन की जगह फाइव रख दो, तो फाइव माइनस टू इंटू 180 अपॉन फाइव, तो ये आ जाएगा थ्री इंटू 180 अपॉन फाइव, पांच से ये काट दो, पांच की 15 पंच 36, और 36 या 108 है ना, तो 108 डिग्री। तो आपका जो पेंटागन होगा उसका, पेंटागन का कभी नाम सुना है तुम लोगों ने, अमेरिका में पेंटागन सुना है, अमेरिका में जो रक्षा अनुसंधान केंद्र है वहां का, वो उसका साइज शेप उसका पेंटागन टाइप का बना है, इसलिए उसको पेंटागन बोलते हैं, व्हाइट पेंटागन है ना। हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। अब आपको ऑक्टागन के लिए एंगल बताना है, ऑक्टागन, ऑक्टागन माने कितनी साइड, एट। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, इसका ए फाइंड इंटीरियर एंगल फोर ऑक्टागन एन इक्वल टू एट, बताओ कितना आ रहा है आंसर, अब तो तुम फटाफट निकाल सकते हो। वन एट्टी डिग्री तो आ ही नहीं सकता बेटा, दो साइड के बीच में 180 डिग्री कैसे हो सकता है, 180 डिग्री तो इम्पॉसिबल। हाँ देखो, आज इसने आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिला आज, ये आरडी शर्मा में, एनसीआरटी में नहीं है क्वेश्चन। एन माइनस टू एन इंटू पाई, ये चलो पहले डिग्री में लिख लें 180, तो एन की जगह 8 लिख दो, 8 माइनस टू 8 इंटू 180 डिग्री, और ये 6 अपॉन 8 इंटू 180, ठीक है, और दो से काट दो, दो तीन छः, दो चौक आठ, और चार से ये काट दो, चार से ये 45 और कट जाएगा, और ये 45 या 135 डिग्री हो गए, ये हो गया, ठीक है, ये डिग्री में हो गया। और अगर इसे रेडियन में लिखेंगे तो ये 3π/4 रेडियन वाला ऐसे हाँ निकाल। हाँ कवर होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
ये हेप्टागन का आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, और हाँ दिया तुम्हारा आ गया हेप्टागन का आंसर। दिया आंसर आ गया क्या हेप्टागन का? हाँ देखते हैं, देखो यहाँ लिखो 4 हेप्टागन, तो हेप्टागन का मतलब हो गया 7 साइड, जिसकी 7 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एन माइनस टू अपॉन एन इंटू 180 डिग्री, तो एन की जगह 7 माइनस 2, 7 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो ये आ गया 5 अपॉन 7 इंटू 180 डिग्री, तो 5 का 18 पंजे 90, ये हो गया 18 पंजे 90, 1 0 आई बस, ठीक है, अपॉन 7। अब इसमें ये डिग्री चल रहा है, तो इसमें डिवाइड दे दो, तो इसमें ये आ जाएगा 900 में 7 का डिवाइड दो, 7 एकम 7, 2 बचे 0, 7 दूनी 14, ये बचे 6, 1 0 और ले लो, 7 8 56, और ये बचे 4, तो ये आ गया तुम्हारा 128 डिग्री प्लस 4 बाई 7, 4 बाई 7 डिग्री। अब 128 डिग्री 4 बाई 7 को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 60 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 128 डिग्री और 6 चौक 24, 240 डिग्री अपॉन 7, तो ये आ गया 128 डिग्री प्लस 240 में और डिवाइड दे दो 7 का, तो ये आ जाएगा 7 3 21, और 7 3 21 3, 7 4 28, 2, तो ये आ जाएगा कितना 34 मिनट प्लस 2 बाई 7 मिनट, तो 128 डिग्री 34 मिनट प्लस 2 इंटू 60 अपॉन 7, ये सेकेंड हो गए। तो बस ये लास्ट आंसर, लास्ट डिवाइड और दे दो, तो ये कितना 6 दुनी 12, 120 में 7 का भाग देंगे, तो 7 दुनी 7 एकम 7, 7 5 12, 7 7 49, और ये बचा 1 पॉइंट लगा देंगे 0 7 17 लिख दो बस, ठीक है। तो 128 डिग्री 34 मिनट और 7 कितना 17 17 सेकेंड अप्रोक्सीमेट, ऐसे लिख दो, ठीक है। अच्छा इतना ही आंसर है, चलो चेक कर लेते। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, हाँ सही है। और रेडियन वाला आंसर तो सिंपल निकालना है, उसमें कुछ नहीं करना, रेडियन वाले फॉर्मूले में 180 की जगह पाई लगा के उसको सॉल्व करना है सीधा सीधा, और 400 लिख दो इन रेडियन ऐसे। तो रेडियन में एन माइनस टू अपॉन एन इंटू पाई है ना, तो ये 7 माइनस 2 अपॉन 7 इंटू पाई, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 7, ओके रेडियन ऐसे। तो आपका डिग्री में भी आंसर हो गया। हाँ, और इस ठीक है, तो ड्यू डे का 1 वाला हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जिसका यहाँ सॉल्व नहीं हुआ हो घर ट्राई कर सकता है, और आराम से आंसर आ जाएगा। दिया इसको ड्यू डे का 1 वाले को घर कर लेना आराम से, तो ये समझ में आ गया, डिग्री में ऐसे निकाल देंगे, रेडियन में ऐसे निकाल देंगे। ओके, बहुत बढ़िया सवाल निकले, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि आप लोग नूतन भी कवर हो जाएगी, तुम्हारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, ठीक है, नूतन और एनसीईआरटी दोनों कवर होती हुई चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, बाय, आज की क्लास इतनी ही, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, वेलकम।